इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सहरसा जिला के अंतर्गत सौर बाजार थाना क्षेत्र के अंदर ज़मीन के अंदर से अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया है। शव का जो है पहचान नहीं हो पाई है और मौके पर जो है पुलिस ज़मीन के अंदर से गड्ढे से खोद कर जो उन्हें बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद जो है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन शव का जो है पहचान नहीं हो पाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खबर सुनते ही लोग जो है काफ़ी इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो ख़ासतौर पर जो महिलाएँ के साथ ये घटनाएँ बिहार में आए दिन हो रही है, जो कि ये बिहार के सहरसा जिला के अंतर्गत सौर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई है। आपको बता दें कि ये ज़मीन के अंदर से लगभग 4 से 5 फीट अंदर जो है ज़मीन के अंदर से पुलिस के द्वारा खोदकर उन्हें बाहर निकाला गया है और उन्हें जो अभी पहचान नहीं हो पाई है कि ये सब कहाँ का है, कौन है, लेकिन मौके पर पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस जो है प्रशासन जो है वो जांच में जुट गई है। आज सुबह का तकरीबन 9 बजे के आसपास 112 के माध्यम से सूचना मिला कि हनुमान नगर और महेशपुर के बीच बहियार में एक डेड बॉडी गड़ा हुआ है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आए यहाँ, घटनास्थल पर पहुँचे और वरीय पुलिस पदाधिकारी, हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस निरीक्षक महोदय भी आए हैं, FSL की टीम भी आई हुई है और अंचलाधिकारी महोदय सौर बाजार जो कि यहाँ दंडाधिकारी के रूप में आए, उनके समक्ष शव को निकाला गया। यह एक लड़की का शव है, इसका अभी तक पहचान नहीं हो पाया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पहचान की कोशिश की जा रही है।